अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, तो हम यहाँ पे अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहले हमने क्रोम से जाके यूट्यूब स्टूडियो खोल लिया और यहाँ पर लेफ्ट में हम अपना कंटेंट योर चैनल पे कंटेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जिस भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ होगा उसको आप क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे सी डिटेल्स आएंगी। उसको ओपन करने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं। थ्री डॉट्स में से आप यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन भी ले सकते हैं, और अगर आपको कोई चीज़ ट्रिम करनी है जैसे कि किसी चीज़ पर आया हुआ तो वहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, और अगर सॉन्ग रिप्लेस करना है तो सॉन्ग यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सॉन्ग्स हैं इस पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा क्योंकि ये यूट्यूब ने दिए हुए हैं, और यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग सेलेक्ट करें और अपने कॉपीराइट को हटाकर ये वाला सॉन्ग ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद जो वो वाला होगा वो खुद रिमूव हो जाएगा, और आपको जिस म्यूज़िक पे कॉपीराइट क्लेम आएगा वो ही रिप्लेस होगा, बाकी म्यूज़िक रिप्लेस नहीं होगा। उतना ही म्यूज़िक आपका रिप्लेस होकर ये वाला म्यूज़िक आ जाएगा और आपकी वीडियो वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ से आप सेव के ऑप्शन पर सेव करते हैं, और बाकी जब आप इसको सेव कर देंगे तो आप जाके पीछे देख भी सकते हैं कि आपका कॉपीराइट क्लेम वहाँ से हट जाएगा। और यहाँ पर यूट्यूब आपको बताएगा कि थोड़ी देर में जो आपने कॉपीराइट क्लेम हटाया है, दूसरा सॉन्ग लगाया, वो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप पीछे जाएंगे, दोबारा बैक जाएंगे, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सी डिटेल्स में कि आपका कॉपीराइट क्लेम कुछ घंटों में या कुछ मिनट्स में आपका हट जाएगा। और हटने के बाद आपको जैसे पहले और वीडियोस में नन लिखा हुआ आ रहा है उसी तरीके से कॉपीराइट क्लेम जिस पे पहले था और अब उधर नन लिखा हुआ आएगा, तो इट्स मीन्स कि आपका कॉपीराइट क्लेम हट चुका है। और अल्लाह हाफिज़।